दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान की जनता हर दिन और बदहाल होती जा रही है। लोगों को जहां खाने के लाले पड़े हैं, उस पर सरकार राहत देने के बजाय उन पर बोझ बढ़ाती भी नजर आ रही है। अब कंगाल पाकिस्तान ने ऐसे कदम उठाया है जो पहले से ही महंगाई की मार झेल रही देश की जनता को बर्बाद करने वाला साबित हो सकता है। सबसे बड़ा आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान ने सबसे सामने हाथ फैला लिए, लेकिन कोई उसके काम नहीं आया। अब उसकी आखिरी आस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कोष से मिलने वाली मदद पर टिकी है। IMF ने भी बेल आउट पैकेज रिलीज करने के लिए पाकिस्तान के सामने ऐसी कड़ी शर्तें रखी है जो आर्थिक बदहाल देश के लिए पैसों की किल्लत के साथ ही दूसरी बड़ी समस्या बन गई है। हालांकि पाकिस्तान के सामने इन्हें मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। अब पाकिस्तान ने IMF की सबसे कड़ी शर्त भी मान ली है, जिससे लोगों को और बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। IMF की ओर से आर्थिक मदद दिए जाने के बदले देश में कई जरूरी चीजों पर टैक्स बढ़ाने की शर्त रखी गई थी। अब पाकिस्तान असेंबली ने मंगलवार को कई वस्तुओं पर टैक्स में इजाफा करने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। ऐसे में रोटी पानी से लेकर गैस पेट्रोल के लिए तरस रहे लोगों की जिंदगी और मुश्किल होना तय माना जा रहा है। ये बता दें कि देश में महंगाई दर 30% के करीब है। रोजमर्रा की जरूरी सामान भी लोगों की पहुँच से दूर होती जा रही है। अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के पास IMF की इस शर्त को मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हालात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि देश की रक्षा मंत्री ने तो ये तक कह दिया कि हम दिवालिया होने की कगार पर नहीं बल्कि एक दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं। पाकिस्तान को तत्काल आर्थिक मदद की बेहद जरूरत है, क्योंकि देश का सरकारी खजाना लगभग खाली हो चुका है। आंकड़ों को देखें तो पाकिस्तान का विदेश मुद्रा भंडार बीते दिनों $3 अरब के नीचे पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास महज इतना पैसा ही बचा है कि वो 2 से 3 हफ्ते का ही आयात करने में सक्षम है।